साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है, भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं, और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एकाध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों। और देखिए, कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को, ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए
वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि ये कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा? साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए, मुझे बताइए कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है विकसित भारत के लिए वोट करना है, और इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार